Hello everyone, we'll just start how to clone a repository from a GitHub, and it's not tough too much, बहुत आसान है. बहुत किसी को problems भी होती हैं कि कैसे किसी की repository को clone करें. तो सबसे पहले हम अपना GitHub account खोलेंगे, ठीक है. GitHub account खोलने के साथ साथ हम अपनी repository मान के चलिए पहले एक्सप्लोर पे जाएंगे. एक्सप्लोर पे क्या है ना कि बंडल ऑफ रिपोजिटरी साथ प्रेजेंट है, आप किसी की भी रिपोजिटरी को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करने का मन हो तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. तो बहुत आसान है, हम नए टैब पे खोल लेंगे एक्सप्लोरेशन वाले आइकन को. चलिए ठीक है, इसमें से किसी एक रिपोजिटरी को हम चूज़ करते हैं, ठीक है. मान लीजिए हम चूज़ कर लेते हैं को पायलट डॉक्स, ठीक है. हम इस पर क्लिक करेंगे. क्लिक करने के साथ ही हमारे पास इनके सोर्स कोड को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो हम गिटपैस एक टूल होता है. गिटपैस टूल से हम किसी भी रिपोजिटरी की लिंक के हेल्प से हम उसे क्लोन करते हैं. तो जैसे कि हमने इनकी फाइल को ओपन किया, ठीक है, इनकी रिपोजिटरी को ओपन करने के साथ ही आप यहाँ पे सर्च बार में देखोगे इनकी रिपोजिटरी से रिलेटेड इनकी जो लिंक है, इनको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है. कॉपी करने के बाद हम गिट बैश खोलेंगे. गिट बैश टाइप कर लेंगे, गिट बैश, ठीक है. हम गिट बैश खोल लेंगे. चलिए ठीक है, गिट बैश खोलने के साथ ही हम पहले देखेंगे हम अभी कहाँ पे हैं. लिस्ट एलएस जो कमांड होती है, एलएस करने के साथ साथ अब हम अपनी जो डायरेक्टरी है, हम जो डायरेक्टरी बनाएंगे नई फाइल, जस्ट यू कैन से हम नई फाइल में वो जो हमने रिपोजिटरी ये जो ली है, जैसे ये इन फाइल्स को कौन सी मतलब कौन सी फाइल में कॉपी करनी है, हम वहाँ पे एक डायरेक्टरी बना के उस फाइल में कॉपी करेंगे. तो हम पहले डेस्कटॉप के अंदर जाते हैं, हमें डेस्कटॉप के अंदर बनाना है. आप कोई भी वो ले लो, आप किसी के अंदर ही बना सकते हो. आप चाहे तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी बना सकते हो, आप चाहे तो वन ड्राइव के अंदर भी बना सकते हो, वो ज़रूरी नहीं है. डेस्कटॉप के अंदर हम एलिस देखेंगे पहले, इसके अंदर कौन कौन सी फाइल पहले से एग्जिस्टिंग है. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से बना के रखी हैं, ठीक है. अब मैं यहाँ पे mkdir करके एक फाइल बना लेता हूँ, ठीक है. यहाँ पे हम लर्निंग के नाम से कुछ फाइल बना लेते हैं, लर्निंग के नाम से बना लेते हैं, ठीक है. लर्निंग के नाम से हम पहले एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है. अब एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, और डायरेक्टरी बन चुकी है. फिर ls करके देखेंगे तो एक जो लर्निंग के नाम से मैंने जो डायरेक्टरी बनाई है वो डायरेक्टरी आपको यहाँ दिखेगी. ये देखिए, लर्निंग के नाम से डायरेक्टरी दिख रही है, ठीक है. अब हम cd space learning को प्रेस करके इसके अंदर घुस जाएंगे, ठीक है. अभी एलिस दबाएंगे जो कि लिस्टिंग होती है. अब लर्निंग के अंदर कुछ नहीं है, लर्निंग के अंदर अभी कुछ नहीं है, ठीक है. सी डी स्पेस लर्निंग दबाया तो लर्निंग के अंदर कुछ नहीं है. अब इसके अंदर हम कोड कॉपी करेंगे. तो जो कमांड होती है वो होती है गिट क्लोन स्पेस. अब हम वो यू आर एल को कॉपी कर लेंगे. इस यू आर एल को कॉपी कर लो. कॉपी करने के बाद यहाँ पे आराम से पेस्ट कर लो, ठीक है. लास्ट में डॉट गिट लगा दो, डॉट गिट और प्रेस द एंटर की बटन, एंड यू विल जस्ट इजीली कॉपी द एक्सेस फाइल व्हाट एवर द फाइल्स वी हैव इन प्रेजेंट ऑन द गिटहब. सो अभी ये फाइल आपकी कॉपी हो रही है, ठीक है. अब हम इसे आराम से कोड स्पेस डॉट डॉट करके वी एस कोड की हेल्प से हम उन कोड्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है. तो बहुत इजी है, थोड़ा टाइम लग रहा है, काफ़ी अभी लंबी फाइल है. तो बहुत ही आसान है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है, अब हम ls दबा के जाएंगे. तो अब हमारे जो अंदर है, जो हमने लर्निंग की जो डायरेक्टरी बनाई थी, अब उसके अंदर ये को पायलट डॉक्स करके मेंशन आ रहा है, क्योंकि जो हमने कोड कॉपी ये क्लोन किया ना, क्लोन के साथ साथ ही वो एक डॉक्यूमेंट बना देगा अंदर, ठीक है. को पायलट स्पेस डॉक्स, ठीक है. तो अब हम इसके अंदर जाएंगे सीरी करके को पायलट, जो यहाँ लिखा है ना, सेम टू सेम एज इट इज़ उतार देंगे हम डॉक्स, ठीक है. ठीक है, अब को पायलट एंटर मारेंगे. अब इसके अंदर हम जा चुके हैं. अब हम इसे एक्सेस करने के लिए एक कमांड लिखेंगे, कोड स्पेस डॉट डॉट, दो डॉट होंगे.
अब एंटर मारेंगे तो हम वीएस कोड ओपन हो जाएगा। वीएस कोड ओपन हो जाएगा तो उसके साथ साथ ही जो सोर्स ऑफ कोड्स हैं वो हमें एक्सेसिबिलिटी उसकी मिल जाएगी आराम से। देखिए यहाँ पे अब सोर्स देखिए लर्निंग के नाम पे बनाया था हमने, लर्निंग के अंदर कोपायलट डॉक्स जो इसका ऑनर है उसने बनाया होगा। इसके अंदर जितनी भी कोड्स हैं आराम से हम ये आराम से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत आसान है, इतना हार्ड भी नहीं है। और इसके साथ साथ ही धन्यवाद।